जितनी कढ़ाई है अगर टाइम 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 पूरा वो वाली तो नहीं तो अभी ठीक है। चादर होना चाहिए, चादर था वो फकीर मिले धागो मांगो थी आगे था काफी एक्स्ट्रा टाइम भरन जो दुकान है जिते वे मुख्तलिफ जगह ते स्टॉल लगाइन था ट्रेडिशनल कपड़ा भी ये आए तो निकलना कौन है गगा बाकी ऐसा ना इनके चेंज करे ठाई बड़ा नहीं पाए ये बड़ा नहीं पाए ये बड़ा नहीं पाए कमीज सिलाई मशीन वही एंगल चेंज कर 15 मिनट 8 मिनट खाने सर मोटर बढ़ गया 10 मिनट बने आयो के हम ये कौन करो पांच चाहिए वीडियो बना रखना है मेरा वो कर होगा जो हां लग गया ओके पक्को कर ले मैंने रंग छोड़ दो ना धोन का कर रहा है कागज का कागज ले लो कलर की कॉम्बिनेशन वगैरह हमारी कपड़े दे खाई नहीं रंग लगाए नहीं तो कपड़ा ऑर्डर मिला तो पान लगाएंगे मैं एक तो थोड़ा तो मारी रंग के मशीन को भी इस्तेमाल ना को फ्रेम ना इंची टेप फ्रेम हों कपड़े जला हों मार्केट में
बाल तो ही पीस पड़ा या पट्टी लाए दे रस्सी दा इन उठाए तो उन्हें ते लगाए भी उन पर्दन ते लगाए भी उन साड़ी ते लगाए भी है चंपल ते या दुपट्टे ते कमीज ते जेम शें ते पलंग ते भी रखी जाए तो एक बार सही रवायत ही तक के ये रहा क्यों छत्ते ते साड़ी याडी शें दो रंग झालर असी इनके सिंधी में झालर चवंदा आहियूं जिते असां खपंदियूं वेरंदियूं उते दो रंगी चवंदा आहियूं वेरंदियूं खपंदियूं इहे अक्सर कमरनि में ऐं घर में खमीस में अचनि थियूं चादर में अचनि थियूं दुपट्टे में अचनि थियूं ऐं जेके कटे इनखे हिन में डोरियूं लॻाईंदा आहिनि सिलाई कंदा आहिनि ऐं हिन में पर्स ठाहींदा आहिनि एरियन ते लगाईंदा आहिनि ऐं ॿियूं जेकियूं शयूं आहिनि पर्स वग़ैरह हुन ते बि तरीक़े सां लॻाईंदा आहिनि तकियो चवंदा आहिनि असां पंहिंजी सिंधी ॿोलीअ में विहाणू चवंदा आहियूं जेके खटनि ऐं पलंगनि ते रखंदा आहियूं सनत यहां कैसे परवान चढ़ी है और कितनी औरतें यहां पे सीख रही हैं मेरा नाम रुबीना लाशारी है और मेरे गांव का नाम अब्दुल कादिर लाशारी है हम बलोच कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो दस्तकारी का काम है ये हमें एक ये जो हुनर है ये पैदाशी तौर पर विरसे में मिला हुआ है हमारे ख़ानदानों को बलोच ख़ानदानों को तो ये बचपन से ही सीखती हैं लड़की 12 साल की उम्र तक सीखती हैं और 16 साल की उम्र तक ये मैच्योर हो जाती है और ये कढ़ाइयाँ अपनी वालदा से सीखती है ज़्यादातर बहन से दादी से नानी से माँ से इसके जैसे ये कढ़ाइयाँ हैं इनमें ठप्पा पेन वगैरह का काम या मशीन का काम नहीं होता सब हाथ का ही काम होता है छपाई का काम नहीं होता सुई का काम है सब क्या क्या यहाँ पर यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें जैसे आपने देखी पट्टियाँ बनाई जाती हैं जो मुख्तलिफ डिज़ाइन कमीज़ पर लगा सकते हैं साड़ी पर चंपल पर और बटवे पर्स कुशन रनर वाल हैंगिंग
चौरस पिन कुशन बहुत सारे सैंपल हैं जो आजकल मार्केट की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, उसको हमने जदीद थोड़ा बनाया है मुख्तलिफ कलरों में जो लोगों की डिमांड है, क्योंकि हमारे जो रवायती कलर हैं वो अभी इतने नहीं मार्केट में बिकते। मार्केट में पेमेंट वगैरह? हाँ, मार्केटिंग का मसला है थोड़ा बहुत। हम अलफला के साथ काम ये कर रहे हैं, 16 साल हो गए इस काम को करते हुए हमें। तो इससे पहले सिर्फ हम गज बनाते थे और बनाकर पहनते थे, लेकिन अभी हम इसको मार्केट में भेजते हैं, तो वो अलफला के थ्रू हम भेजते हैं। अलफला और भी 6-7 गांवों में काम करता है हमारे गाँव के अलावा, तो इससे काफ़ी आमदनी मिल जाती है। जैसे कि हमारी औरतें घर का काम काज करती हैं, बच्चों को संभालने, घर के सफाई के बाद फारिग होती है, तो वो फारिग टाइम में ये कढ़ाई बैठ कर करती है, तो महीने में 1000 या 1600 हर औरत कमा लेती है। कढ़ाइयों की रेट तो वही है, फिक्स है जो पहले थी। अभी महंगाई बढ़ गई है इसलिए हमें मुनाफा कम होता है। शीशा महंगा हो गया जो इसमें लगता है, धागा बहुत महंगा हो गया है। पहले 1 रुपये ढेरी मिलती थी, अब वो 2 रुपये में मिलती है, लेकिन कढ़ाई की कीमत वही है हमारी। हमारे जो लोग हैं, जो औरत है, ये माँ से बच्ची सीखती है, ये कढ़ाई सीखती है, ये इसकी अम्मी जाए वही सिखाती है। कितनी? ये उम्र का नहीं है, जैसे 7 साल की होती है, 8 साल की, 10 साल की, जो जिसके जेन होता है ना वो उसी हिसाब से सीखती है। खेती बाड़ी करती है? नहीं, खेती बाड़ी तो अभी नहीं है। करती थे तो हम लोग उसके साथ खेती में जाते थे, पर उसके बाद हम लोग नहीं करते, हमारी बच्चियाँ नहीं करती। 20-25 है जो अभी सीख रही है। उससे गांव से अलावा और भी लड़कियाँ हैं, उसकी माएँ हैं, लड़कियाँ हैं, जो इतवार दिन है ना उसी में ये मौजूद आती, बदर सदी के आते, उसके साथ आते, हर हफ्ते लेते। मैंने 12 साल उम्र में ये काम सीखना शुरू कर दिया था और 15 साल तक सीख लिया पूरा। तो क्या दिक्कतें पेश आई ये काम सीखने में? पहले तो बहुत मुश्किल लगती है, मगर फिर सीख लेते हैं तो कोई मुश्किल नहीं लगती, ऐसे ही जैसे हम पहले ही करते थे ऐसे ही लगता है। तो कितने टाइम में बना लेती हैं गज वगैरह? गज वगैरह को तो 1 महीना पूरा लग जाता है, ये छोटे छोटे कुशन वगैरह ये तो हफ्ते में 2-3 भर जाते हैं। स्कूल भी जाती है? हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ। कितनी पढ़ लिखी है आप? मैंने अभी 9th का इम्तिहान दिया है, अभी 10वीं में आऊँगी। तो क्या फील करती हैं यहाँ पे जब इकट्ठे औरतें आके बैठती हैं सारी? बहुत अच्छा लगता है जब सारी औरतें जमा एक जमा होती है, तो जो मसाइल भी होते हैं वो भी एक दूसरे को सुना देते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती। अगर किसी लड़की को मुश्किल होती है ये भरने में, तो औरतें जो होती है जो सीखने वाली सिखाने वाली वो उसको सिखा देती है और मुश्किल फिर नहीं लगती हमें। इस काम की वजह से आपको तालीम पर असर पड़ रहा है? ती हूँ, जो काम स्कूल से मिलता है वो करके फिर फारग टाइम में ये कर लेती हूँ। की हूँ, इस गांव के बच्चों को पढ़ाती हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और ये कढ़ाई का काम भी करती हूँ। मेरे गाँव में हमारी औरतों की तंजीम भी है जो 5-6 साल से काम कर रही है, जो माहौलात के ऊपर से भी कर रही है, और जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें हम जाते हैं, अपने कढ़ाई लेकर जाते हैं, वहाँ उनकी ख़रीद फरोख्त होती है, और मैं भी ये काम करती हूँ। मेरी जो भी गाँव के होते हैं सब काम डाल के पैसे हमें मिलते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। पहले तो हम जो भी गज बनाते थे खुद बेचते थे, मार्केट नहीं होती थी। तो अभी जो डॉक्टर बदर वाले आए, हमें जो डिज़ाइन वगैरह सिखाई, तो हमारे जो कढ़ाई बाहर गई, तो हमें उनके जो मुनाफे पैसे जो मिल रहे हैं। हलकू में गई अभी 2 साल पहले, लाहौर में ये हमारी जो रुबीना बहन है वो गई थी, और दूसरी भी गांव की मेंबर बख्तावर है वो भी गई थी, दोनों गई थी। दूसरे नंबर पे जो और भी मुल्क के लोग कढ़ाई लेकर आए थे, मगर हमारे जो कढ़ाई दूसरे नंबर आई थी, और हमें इनाम भी मिली थी, इसके सर्टिफिकेट भी मिला था। कराची में बड़ा मेला लगा था, उस पर भी गए थे। और मैं जो है शहर की लड़की हूँ, गांव में आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। यहाँ का जो रवायती इनका जो कढ़ाई सिलाई जो हाथ का हुनर है, मुझे देख के पहले तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगा, ये कैसे किया जा सकता है,
पर जब मैं इनके साथ अटैच हो गई तो मुझे पता चला कि वाकई ये हो सकता है। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी ये काम करना चाह रही थी कि मैं मुझसे नहीं होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ गई थी कि ये बहुत मुश्किल है। जब इन लोगों ने मुझे साथ दिया तो मुझे पता चला कि ये बहुत ईजी काम है और मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और मैं आगे भी निकल चुकी हूँ इस काम में।